गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एम्बलजीत फ्रॉम GM पब्लिक सीनियर सैकेंडरी स्कूल ममदोट। हाँ जी, आप आज कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला फोर्स की होंगे है बल, प्रेशर की होंगे दबा। फोर्स मतलब कि जिमें मैं मान लो ये बुक के इनू हिला के एक जगह तो दूसरी जगह रखी है तो मैं कि इन्हें लगाई है भी फोर्स लगाइएगी, ठीक है। तो प्रैशर की होंगे जिमें मान लो हमने बुक उपर न मैं इन प्रैशर लगाया तो बुक नीचे सीधी हो जाती है, तो यह कि मैं प्रैशर लगाया, ठीक है। हूँ जिमें कि लिखा होया है इन क्लास 7th तुम पढ़ के आए कि ऑब्जेक्ट जड़िया ने मूव कर दिया। पढ़िया सी ना 7th क्लास में जो चैप्टर अपना मैजरमेंट वाला, मोशन एंड मैजरमेंट वाला, उस पढ़िया सी ना भी कार मूव कर दिए आप एक जगह तो मूव कर दी, रेस्ट एंड मोशन वगैरह। तो कहिंदे तुहानू इह पता होएगा कि आप किवें एक ला लैने हिसाब कि ऑब्जेक्ट कोई एक फास्टर है दूजे दे नालों, डिस्टेंस किवें कि भी ऑब्जेक्ट का आप किवें यूनिट टाइम च इंडीकेट कर दिया। तुहानू इह भी पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिहड़ी कि मूव करती है जिवें कि बॉल रोलिंग हो गया तो कि ग्राउंड से स्लोज डाउन हो जाए, जिवें एक बाल रोल होंदी हुंदी एक बॉल होए तो रोल होएगी तो कि हौली हौली करके स्लो हो जाती है। कदे कदे कि वो आपकी चेंज डायरैक्शन मोशन जिहड़ी वो डायरैक्शन चेंज कर लैंदी है। कहिंदे इह भी पॉसीबल है कि बॉल जिहड़ी कि स्लो हो जाए तो आपकी डायरैक्शन चेंज भी कर लवे। हैव यू एवर वंडर्ड वट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन। हूँ कदे तुसीं इह सोचिया है भी किहदे करके हुंदा है ऑब्जेक्ट स्लो हो जाती या फास्ट हो जाती तो आपकी डायरैक्शन जिहड़ी मोशन की चेंज कर लैंदी है। कहिंदे तुसीं रिकॉल करो कुछ आपदी एवरीडे एक्सपीरियंस, तुसीं की वेखोगे कि फुटबॉल एक मूव करता हैगा है जो मूविंग बॉल जिहड़ी गई वह फास्ट मूव करती हैगी है, एक गोलकीपर जिहड़ा हैगा बॉल नूं स्टॉप कर लैंदा है, किवें एक फील्डर जिहड़ा हैगा है बॉल नूं स्टॉप करता हैगा जो बैट्समैन उन्हूं हिट करता है, एक हॉकी प्लेयर आपकी डायरैक्शन जिहड़ी मूविंग बॉल की किवें चेंज कर लैंदा फ्लिक ऑफ स्टिक दे नाल। इन्हां सारियां सिचुएशन दे विच बॉल जिहड़ी हैगी है वह की है मूव फास्ट या स्लो करती पई हैगी है, ठीक है जी। केंद्र असं यह भी कह सकते केंद्र उत्ते की आप भी किक लगाते हैं फुटबॉल में तो मतलब आप फोर्स अप्लाई करते हैं। हूँ जे तो आप मतलब कि दौड़ के आईए तो किक लगाइए तो अपना जो फुटबॉल है ज़्यादा डिस्टेंस जोड़ा है कवर करेगा, पर अगर आप नेड़े जी लाते हैं नीयर अबाउट लगाते अपना फुट लगाते हैं फुटबॉल के नाल तो बिल्कुल भी फोर्स नहीं अप्लाई करते तो फुटबॉल जस्ट मूव ही करेगा वन प्लेस टू सम अनदर प्लेस, ठीक है। तो कहते भी एफ वन से डैट फोर्स जी है लगी किक की बॉल में पुश किया या थ्रो किया या फ्लिक किया है। हूँ फोर्स की होएगी आप किवें कह सकते फोर्स की पुश या पुल। पुश या पुल का मतलब कि जिमें मान लो आप एक दरवाजा है वह दरवाजे को पकड़ के पुश करते हैं तो वह कि दरवाज़ा बंद हो जाता है, पुल करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता ज कि ये तो ओपोजिट हों, या किसी चीज़ को पुश करना या पुल करने की कहने आप फोर्स, ठीक है। एक्टिंग लाइक कहते पिकिंग ओपनिंग शटिंग किकिंग हिटिंग लिफ्टिंग फ्लिकिंग पुशिंग पुलिंग ये सारे की ने आप यूज़ करने जिहड़ा कि रिजल्ट है मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का तो इनू आप रिप्लेस कर सकते एक टर्म्स तो दूसरी दे विच। हाँ जी, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्स की इंट्रैक्शन के नाल भी होंगी है। मान लो एक मैन है जो वह कि स्टेशनरी कार मतलब खड़ी हुई कार है ये बिल्कुल कि पिछे खड़ा होया है तो की ये कहेंदे कि तुसी ओन दी प्रेजेंस दे विच कार मूव कर दी पी है। सपोज कर लो कि मैन ने हुण की ये पुश की कार आ वाली कार नू मैन ने की ये धक्का लगाया तो डैट मतलब उन्हें की कीती फोर्स अप्लाई की ते कार जिहड़ी हैगी उह की ये चलनी शुरू हो गई है तो उन्हें उत्ते की मतलब कि जिधर उधर नू चलनी शुरू हुई जिधरों इन्हें की प्रैशर लगाया इधर देखो प्रैशर लगाया तो कार उन्हें मूव कर लग गई द डायरैक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। नोट करो कि मैन ने की किया इतने कार को पुश किया है कार को मूव करने के लिए, ठीक है। पुश मतलब इन्हें फोर्स लगाई है। हुण ये वाली फिगर दे विच देखो कहिंदे थ्री सिचुएशनस आप विखावांगे कैन यू डिसाइड हू इज़ पुलिंग एंड हू इज़ पुशिंग जिद नाल कि तेन तुहानू तीन ये सिचुएशनस वक्रिया वक्रिया विखाई गई एक आ वाली तो एक ए वाली तो एक ए वाली। हुण ये डिसाइड करना भी कौन पुश करता पाया तो कौन पुल करता पाया कि तुसीं ये कर सकते हो डिसाइड। कहिंदे फर्स्ट विच वेखो बोथ द गर्ल अपीयर टू पुश ईच अदर किवें कि वह चक्कर लगा रही ने तो दोनों एक दूजे की कर दया पी ने पुश कर दया पे पेयर ऑफ गर्ल, ठीक है। बी दे विच की है आ जो लड़का है ये की करता पाया बैल नू पुल करता पाया आपके वाल पुल करी जा रहा है। तो सिमिलरली काओ एंड द मैन जिमें इधर देखो ये की है लड़का काओ नू की कर रहा है पुल कर रहा है। तीसरी विच की दिखाया गया है
अपीयर टू पुल ईच अदर, मतलब कि ये की करते पे ने एक दूजे नू अपीयर कर भी पुल करते पे होने एक दूजे नू। द गर्ल इन द टू सिचुएशन शोन हर आर अपलाइंग फोर्स, भी गर्ल जिहड़ी हैगी है आ वाली जिहड़ी फिगर है इहदा दस्सिया इन्होंने मार्किंग गलत करी आ, तो कहिंदे भी गर्ल्स है ना जो दोनों सिचुएशन दे विच ओह फोर्स अपलाई कर दियां पईआं ने कि ट्रू है मैन दे लई ते काओ दे लई भी। ये कहिंदे एग्जाम्पल जिहड़े दस्सदे ने भी हरेक मतलब कि जे फोर्स लगनी ना तो कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स अपने कोल होनिया चाहिए है ने ता ही इंट्रैक्शन होएगी, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की दूसरे दे नाल इंट्रैक्शन होंगी तो फोर्स हो जाती दो ऑब्जेक्ट्स के आ जाती है। अगे आप करांगे जी एक्सपलोरिंग फोर्स। एक्सपलोरिंग फोर्स की हुंदा है जिदा वेखो एक एक्टिविटी है भी एक जिहड़ा मतलब कि एक अगर बंदा एक पास्यों दो जने जो एक दो बॉयज एक बॉक्स है ठीक है इनू इको साइड तो पुश करते हैं तो एक पुश हो रहा है, बट अगर ओपोजिट साइड दोनों खड़ जाते हैं तो एक बॉक्स की जी बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होगी। इतों की पता लगता है कि इस तरीके की अपनी सेम डायरेक्शन के ओपोजिट डायरेक्शन अगर खड़नगे तो पुशिंग नहीं होएगा, बट अगर सेम डायरेक्शन होने तो पुश हो जाएगा। कहिंदे तुसी एक गेम वेखी टग ऑफ वार जिन्हों रस्सा कच्ची कहिंदे ने रस्सा खिंचना, ये भी की हुंदा है कि एक रस्से की करते हैं दो ओपोजिट टीम्स होंदियां ने जिहड़ियां कि एक दूजे नू वल खिंचदियां हैगियां ने रस्से नू, ते जिधरले पासे की होना देख लो जिधरले पासे की हो जाएगा ज़्यादा फोर्स अपलाई होगी और रस्सा वह वाला जिहड़ी टीम खिंच के लै जाती हैगी, तो इस चीज़ उत्ते भी की होया फोर्स अप्लाई हो गया ठीक है। केंद्र ये भी सिमिलर सिचुएशन ही हैगी जो 11.3 फिगर हैगी सी पिछे उहदे विच भी होई सीगी। द टीम डैट पुल्स हार्डर, जिहड़ी टीम आ मैं दसदा भी जिहड़ी टीम ज़्यादा हार्ड खिंचेगी वह की है रोप नूं आपदी वाली साइड लै जाएगी। हुण कहिंदे भी ये सारी एग्जाम्पल तो असीं लै लईआं, बट एग्जाम्पल शो की करदियां ने, कहिंदे ये करदियां ने कि फोर्स अपलाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जिहड़ी फोर्स अपलाई होंदी किसी ऑब्जेक्ट के सेम डायरेक्शन वाल ऐड कर दी दूजे नूं ना। हुण वेखो कि हुंदा है जदों तुसी ते तुहाडे फ्रेंड एक हैवी बॉक्स नूं पुश करदे हो जिवें आ दिखाया गया है, तो मैं तुहानूं पहले ही दस दिता भी अगर तो सेम डायरेक्शन वाल मूव करनगे तो सेम हो जाएगा फो कि जो ऑब्जेक्ट है उहदी मूवमेंट हो जाएगी, अगर ओपोजिट डायरेक्शन वाल दोनों होणगे तो फिर मूवमेंट नहीं होएगी। सो आपां कहिंदे लर्न कर सकते हैं कि फोर्स जिहड़ी हैगी है लार्जर या समालर हो सकती है एक दूजे तो, स्ट्रेंथ की फोर्स जिहड़ी एक्सप्रैस आपां कर रहे उहदी मैगनीट्यूड तो, वी हैव आलसो टू स्पैसीफाई कि डायरैक्शन फोर्स किधर नूं एक्ट करती है। आलसो इफ द डायरैक्शन और द मैगनीट्यूड ऑफ द अपलाइड फोर्स चेंज, अगर डायरैक्शन तो मैगनीट्यूड किसी भी फोर्स का चेंज हो जाता है तो वो अफेक्ट भी किने चेंज होंगे ने। हाँ जी नैक्सट आ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, एक फोर्स जी कि मोशन का स्टेट भी चेंज करती है। हुण इन्हां ने एक एक्टिविटी करी है जिदे ते की सीगा ए बॉल एट रैसट बिगिन, जो बॉल वो हाथ से सी कि रैसट हो गई, बट जो उन्हें फोर्स अप्लाई करी जो हूँ एक बॉलर हुंदा है वो हाथ से जिन्ह तक बॉल रही रैसट होंगी, बट जो मूवमेंट करके बॉल नू की करता फोर्स अप्लाई करके बॉल नू कि वाल सट्टदा हुंदा है बैट्समैन वाल सट्टेगा तो बॉल दे विच की आ जाएगी मूवमेंट आ जाएगी, मतलब पर मूवमेंट आई कादे करके आ फोर्स अप्लाई करन दे लई। हुण इन्हां ने यही कहा भी तुसीं एक एक्टिव आ भी लै सकते हो कि जिवें कि किक लगाने आपां फुटबॉल नूं तो फुटबॉल दे उपर की आ फोर्स अप्लाई हुंदी पई होगी, तो पहलों फुटबॉल दी जिहड़ा रैसट ते हुंदा है तो उदों दी स्पीड हुंदी है जीरो, बट जदों फोर्स लग जांदी हैगी तो गोल वल पहुँच जांदा हैगा है, तो गोलकीपर की जंप लगांदा हैगा आपदे गोल नूं सेव करन दे लई, तो कहिंदी एक्शन जिहड़ा गोलकीपर दा जिहड़ी उहने अप्लाई की फोर्स मूविंग बॉल दे उपर वह फोर्स जिहड़ी उहने की स्टॉप लगाई डिफलैक्ट की बॉल नूं वह की स्कोर मनिया जाता है, तो आप सबनों पता ही है, तो आप कह सकते कि गोलकीपर ने जी सिस्ट जो की तो उदो भी स्पीड जी घट के की हो जाएगी बॉल की बिल्कुल जीरो हो गई। केंद्र ऑब्जरवेशन सुजैसट कर दी कि फोर्स जी है किसी ऑब्जेक्ट के उत्ते स्पीड भी चेंज कर देंगी आ, अगर फोर्स अपलाइड किसी ऑब्जेक्ट के डायरैक्शन ऑफ मोशन वाल हो स्पीड जी है इनक्रीज़ होंगी है, अगर ओपोजिट डायरैक्शन वाल हो स्पीड की हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी। हाँ जी नैक्सट जी फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑबजैक्ट, फोर्स की कर दी गई किसी भी ऑबजैक्ट की शेप भी चेंज कर देती है, जिदा कि
आटा गुंदन दे टाइम की होंगे, पहले आटे की शेप होर होंगी बट जो गुंदन दे टाइम फोर्स लगाई जाती तो वो शेप चेंज हो जाती है। कोई अगर गद्दा पिया है तो वो उपर जो गद्दा सिंपल होए तो उदो शेप होर होंगी बट फिर जो उपर कोई बैठ जाता है तो प्रैशर लगता है जिदे करके शेप चेंज हो जाती है। एक अगर रबड़ किसी चीज़ नाल टंगिया हो तो रबड़ की वैसे शेप होर होंगी बट जो रबड़ नू पुश कर लिता जाता है, खिंचया जाता है, पुल कर लिया जाता है तो उदों की शेप की आ चेंज हो जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, हुण कहिंदे भी असी जिहड़ियां एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म कीतियां ने इत्थों असी की अप्लाई करने आ कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की चेंज किवें होंदी, उहदी शेप चेंज हो जाती हैगी है। ठीक है, एक्टिविटी कहिंदे मान लो की करना है, मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। की हुंदा है फोर्स, कदों हुंदी है, जदों कोई ऑब्जेक्ट की है रेस्ट तो मूव करती है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जां की होएगी स्पीड जिहड़ी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती हैगी है, जां डायरेक्शन चेंज होंदी है, जां की हुंदा है शेप चेंज हो जाती, जां की है सम और ऑल इफेक्ट कोई भी होर हो सकता है। कहिंदे फोर्स जिहड़ी हैगी है ये कि एक जां एक तो ज़्यादा इफेक्ट पैदा कर देगी। इंपॉर्टेंट ही रिमैंबर रखना कि बिना कोई भी फोर्स दे कोई भी एक्शन पॉसीबल नहीं हुंदा। तो कह लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव अपने आप नहीं करती, उनके उपर की उनकी स्पीड चेंज होंदी है, बट स्पीड चेंज कादे करके होंदी है, ड्यू टू द अपलाइड फोर्स के कारण। अगे अगे जी कंटैक्ट फोर्स, हाँ जी फोर्स दो तरह की होंगे ने, एक होंगी कंटैक्ट फोर्स, एक होंगी नॉन कंटैक्ट फोर्स। अगर कंटैक्ट फोर्स तो नॉन कंटैक्ट फोर्स के भी सम पार्ट्स है ने। ठीक है, पहलों आप पढ़ने कंटैक्ट फोर्स। हूँ कंटैक्ट फोर्स में सब तो पहली फोर्स कि आ गई मस्कुलर। हूँ कंटैक्ट तो ही पता लगता, कंटैक्ट मतलब कि किसी चीज़ को आप छूना है वो होगी कंटैक्ट। ठीक है, हुण कंटैक्ट विच सब तो पहलों आ गई मस्कुलर फोर्स। हुण मस्कुलर फोर्स की है जिहड़ी कि अपने मसल्स दे नाल लगदी है। ठीक है, जिदा इन्होंने एक बैलगाड़ी विखाई है कि ये मसल्स दे नाल फोर्स लगती भी जिदे करके कि ये बैलगाड़ी मूव करती है। या आप अपनी एग्जाम्पल लै लीए, आप बैग जिहड़ा स्कूल बैग है आप ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਸਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮਸਲਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਿਟ ਵਗੈਰਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਬਾਲਟੀ ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ਲੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫੋਰਸ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸਲਸ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹਦੀ ਕਾਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਸਲਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਿਸੇ ਓਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਅਰਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰੋਲ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦਾ ਫੋਰਸ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫੋਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਹੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਮੈਗਨੇਟਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਗਨੇਟ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਟ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਐਂ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਸ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਨੌਰਥ ਸਾਊਥ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਨੌਰਥ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਦੋ ਮੈਗਨੇਟਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਨੌਰਥ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਵੀ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੋਏ, ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਏਗੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਗਨੇਟ, ਬਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮੈਗਨੇਟ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਸੇਮ ਪੋਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਾ ਫੋਰਸ ਐਗਜ਼ਰਟਿਡ ਬਾਏ ਅ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਨੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਫੋਰਸ।
हाँ जी, नॉन कंटैक्ट फोर्स की एक होर एग्जाम्पल है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलैक्ट्रो तो ही मतलब पता लगता है जिंदे इलैक्ट्रिसिटी अप्लाई होंगी पी हो जिमें हूँ एक एक्टिविटी है ये नीचे उन्होंने स्ट्रा है रबड विद पेपर अट्रैक्ट अनदर। एक उन्होंने की पेपर लिता है उन्हें एक स्ट्रॉ लगाया गया है जिन्होंने रिपेल करते हैं। ठीक है, कहते स्ट्रॉ इज सेड टू हैव ए क्वाइट इलैक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है जो इन कि रब किया जाता शीट ऑफ पेपर के नाल द फोर्स एग्जर्टिड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज। ओवरली फोर्स जी कि एक चार्ज बॉडी तो दूजे अनचार्ज या चार्ज बॉडी वाल लगती उन्होंने आप कहने इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगे आ गई जी ग्रैविटेशनल फोर्स। हम सब को पता है ग्रैविटेशनल फोर्स कि होंगी हैगी है जी कि धरती होंगी हैगी जिमें जी मतलब मान लो जिमें फोर्थ क्लास पढ़ के आए थे न्यूटन का जोड़ा लॉ है ग्रैविटेशनल फोर्स उपर ही अपलाई आ भी कोई भी चीज़ जी आप उपर सटनी नीचे क्यों आती है जी क्योंकि धरती के होंगी है ग्रैविटेशनल फोर्स होंगी है। तो ग्रैविटेशनल फोर्स में आप किसी चीज़ को आप हाथ नहीं लगा देंगे क्योंकि अपने आप अपलाई होंगी इस करके भी की हो जाएगी नॉन कंटैक्ट फोर्स हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टू वर्ड द अर्थ कहते ऑब्जेक्ट या थिंग जगह ने अपने आप धरती के उत्ते डिगदियां ने क्योंकि इनू की पुल धरती आदि वाल खिंचती है। ये फोर्स जी है फोर्स ऑफ ग्रैविटी की या कह लिए ग्रैविटी की एक अट्रैक्टिव फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रैविटी जी किसी भी ऑब्जेक्ट के उत्ते सारे ऑब्जेक्ट्स के उपर लगती है। फोर्स ऑफ ग्रैविटी जी कहते सारे टाइम बिना मतलब कि अवेयर होंगे इन्हें तो आप वाटर जोड़ा गा टूवर्ड द ग्राउंड वाल फ्लो होंगे है जो टैप न ओपन करने ये सारिया चीज़ा। ठीक है, हुण ग्रैविटी कहिंदे एक प्रोपर्टी नहीं हैगी अर्थ दी कल्ले दी। इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट दे विच जिहड़ा यूनीवर्स हैगा है वह समॉल या लार्ज एग्जर्ट फोर्स करता है हर एक ऑब्जेक्ट नूं। तां इह जिहड़ी फोर्स हुंदी उह कहिड़ी हुंदी ग्रैविटेशनल फोर्स। ठीक है जी, इह तां गल सी सारी फोर्स की। हुण आपां पढ़दे हां जी प्रैशर बारे। हाँ जी, कहिंदे तुसीं क्लास एट्थ दे विच सॉरी सैवनथ विच पढ़ के आए हो कि स्ट्रोंग विंड आती हैगी स्टॉर्म या साइक्लोन वगैरह आते हैं अपने रूफटॉप वगैरह की काफ़ी ज़्यादा हवा आ जाए तो जिहड़ियां छत्तां होंदियां ने उह की ढह जांदियां ने। ठीक है, वॉल्स वगैरह ढह जांदियां ने कादे करके हुंदा क्योंकि धरती में बहुत ज़्यादा की प्रैशर हुंदा मतलब सॉरी वाइंड विच बहुत ज़्यादा की प्रैशर अप्लाई हुंदा जिसके कारण हो जाता है। हुण जिवें आपां की किसी नेल नूं मतलब कि किसी किल नूं लगाना तो आपां हैमर दे उपर की लगा दे हुंदे आ दबा मतलब कि प्रैशर लगा दें जिदे करके की हुंदा नेल वॉल दे विच लग जांदा हुंदा। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया मतलब कि फोर्स जी एक्ट कर दी गई यूनिट एरिया सरफेस एरिया की यूनिट के हिसाब से उन्होंने आप कहने प्रैशर। प्रैशर इक्वल हुंदा है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अगे जाके वैसे तुसीं पढ़ोगे मैं तुहानूं हुणे दस्सदा कि प्रैशर की यूनिट हुंदी जे पास्कल। ठीक है, हुण एक आहा कि कुल्ली हैगा जिहड़ा पोर्टर जिहनूं कह देंगे हैवी लोड लैके जाता तो इहदे उपर की पैंदा पैगा प्रैशर पैंदा पैगा जिहदे करके इहदा फेस की आ नीचे हो जाता है। कहिंदे नोट दैट द एरिया इज इन डिनोमिनेटर इन द अबव एक्सप्रैशन सो समॉलर एरिया लार्जर प्रैशर। जिन्ना एरिया समॉल हैगा उन्ना जिहड़ा प्रैशर सरफेस उपर ज़्यादा लगेगा सेम फोर्स होएगी। द एरिया ऑफ द पॉइंटिड एंड ऑफ द नेल इज़ मच समॉलर जिहड़ा एंड के उपर जिहड़ा पॉइंट नेल दे मतलब कि किल दे एंड दे जिहड़ा एरिया सीगा ना वो पॉइंटिड बहुत ज़्यादा समॉल सीगा जिसके करके की होया सीगा जी उहदे ते फोर्स भी जिहड़ी हैगी उह उवें लगी सीगी। ठीक है जी, हुण नैक्सट पढ़ने प्रैशर एग्जर्टिड बाय लिक्विड और गैसिज। लिक्विड ते गैसिज दे विच किवें प्रैशर लगदा हैगा। हुण जी आपां नूं पता ही है जिवें हुण मान लो एक बैलून है उहनूं फैला लईए आपां ते अगर आपां बैलून मतलब कि ब्लो करिया होया पूरे दा पूरा बैलून उहनूं खुले बैलून जदों आपां इदां करके प्रैशर लगाउंदे हुंदे ते इदां इदां करके उहनूं हत्थ लगाउंदे ते उहदी शेप जिहड़ी हैगी उह की चेंज हो जाती होंगी मतलब कि उन्हें विच एक हिसाब का कि आप गैस भर दें ना बैलून के आप पता ही है कि वैसे तो चलो हीलियम गैस होंगी बट आप भी जो फिल करने अपने भी अंदरों एक कि गैस निकलती है। ठीक है, तो फिर की करते भी प्रैशर जे तो आप अपलाई करने तो गैस की वाले की प्रैशर लगता गा तो जिदे करके बैलून की शेप चेंज हो जाती है। इस तरीके ही जिमें एक बॉटल है मान लो बॉटल के उपर भी कि अगर आप प्रैशर लगा दें तो वो शेप चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आम तौर पर तुम देखे ही है जो आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक की बोटल में जो ओपन करते हैं तो ओपन करने वेले ज़्यादा पहले आप अगर शेक ज़्यादा कर लेने तो वो उत्ते जो आप ढक्कन ओपन करा तो उस वे बबल्स बाहर निकल जाते हैं वो कादे करके होंगे क्योंकि उनके अंदर की होंगे काफ़ी ज़्यादा प्रैशर भरया हों जिदे करके बाहर निकल जाते हैं तो वो कि लिक्विड हो जाता जी गैस है वो लिक्विड चेंज हो जाती है।
हाँ जी नैक्सट जी एटमोसफेयरिक प्रैशर। एटमोसफेयरिक प्रैशर कहते कहें तू पता ही होएगा कि अपने आसे पास की ये हवा हैगी एक इनवैल्प हैगा है हवा का जिन्हों आप कहने एटमोसफेयर। एटमोसफेयरिक एयर जी है एक्सटेंड हो जाती काफ़ी सारी किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ तो उपर जाके। प्रैशर एग्जटिड बाय दिस एयर ए वाली द प्रैशर एग्जटिड बाय दिस एयर जो ए वाला प्रैशर लगता है हवा दे विच उन्हों आप कहने एटमोसफेयरिक प्रैशर। वी नो सानू पता है कि प्रैशर जी है फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से मतलब कि प्रैशर की यूनिट कहती है एफ बाय ए होंगी हैगी है। ठीक है जी हुण प्रैशर की एग्जाम्पल तो देने की लोड़ ही नहीं तुहानू सबनू पता ही है प्रैशर की एग्जाम्पल्स कह लिए एक अपने किचन तो लैके जिथे मर्जी कह लिए प्रैशर अपलाई हुंदा ही रहिंदा हैगा। हुण आ देखो जी एक हॉर्स पुल करते पे गए एक हैमीस्फेयर इन्हों का भी कि आपस लगता पाया जी प्रैशर लगता पाया। वेट जिहड़ा याद रखो वेट जिहड़ा एयर का कॉलम ऑफ हाइट एटमोसफेयरिक एरिया जिहड़ा गा 15 सेंटीमीटर हुंदा जिहड़ा वेट ऑब्जेक्ट मास तक कदों हुंदा 225 किलोग्राम। रीज़न जिहड़ा गा आपां क्रश नहीं कर सकते फोर्स ऑफ ग्रैविटी नूं कादे करके की हुंदा है प्रैशर क्योंकि अपनी बॉडीज़ के अंदर हुंदा हैगा तो जिदे करके जिहड़ा इक्वल कादे हुंदा एटमोसफेयरिक प्रैशर दे ते बैलेंस कर लैंदा प्रैशर नूं आउटसाइड वल्लों। ठीक है जी इसे नाल ही तुहाडा चैप्टर हो गया फिनिश।